1965 से अब तक नहीं सुधरा पाक। करगिल के बाद कई बार खाई मात। जब जब पाकिस्तान ने उठाई आंख, भारत ने पाक को दिखा दिया औकात। एक बार फिर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सुधरने की कोशिश करेगा, या फिर भारतीय सेना को फिर दूसरे तरीके से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे जब जब पाकिस्तान ने जंग की हिम्मत की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। इतिहास गवाह है कि 1965 से लेकर अब तक जब पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आया है, उसे करारी शिकस्त मिली है। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी कैंपों को निशाना बनाकर बम बरसाए। इसे भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में 19 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाकिस्तान में घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस हमले से पाकिस्तान बौखला गया था, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हमले के 10 दिन बाद ही 28-29 सितंबर की रात को पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के कैंपों को उड़ा दिया था। भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर में घुसकर भारतीय रण बांकुरों ने 50 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध कारगिल में हुआ था। इसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। दरअसल 5 मई 1999 को पाकिस्तानी आर्मी ने 23 साल के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को बंधक बना लिया था। भारत को जब इनके शव सौंपे गए तो पता चला कि मौत से पहले इनके साथ जुल्म किया गया था। जम्मू और कश्मीर के करगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठी इस युद्ध की वजह थी। करगिल इलाके से दुश्मनों को निकालकर बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था, और करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 1971 के युद्ध में भारत की 14 दिनों में जीत हो गई। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के मुख्य भूमिका उस अत्याचार की थी जो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर कर रहा था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की ठान ली थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने ढाका में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद लगा था कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन आज तक उसकी हरकत जारी है। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। यह युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ था। पाकिस्तान की साजिश थी कि जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया जाए। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर पड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। 70 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। आखिरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के हस्तक्षेप से युद्ध विराम घोषित किया गया। इतिहास गवाह है
1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने घर में घुसकर कई बार उसकी औकात दिखाई है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान है जो सुधरने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक। देश ने पुलवामा हमले का बदला तो ले लिया, वहीं शहीदों के परिजनों ने भी इस बदले को लेकर खुशी जाहिर की। आज